हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडीज़ पे। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दिल्ली में PRT TGT टीचर की वैकेंसी निकली है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा क्या है पोस्ट, कितनी पोस्ट निकली हैं और कितने और किस किस विषय में निकली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कस्तूरबा बालिका विद्यालय दिल्ली में प्राइमरी टीचर TGT व अन्य पदों में निकली वैकेंसी, यहां से जानकारी लीजिए। कस्तूरबा बालिका विद्यालय दिल्ली में प्राइमरी टीचर TGT व अन्य पदों के लिए निकली वैकेंसी, यहां से जो इसके आमंत्रित कस्तूरबा बालिका विद्यालय ईश्वर नगर दिल्ली ने असिस्टेंट टीचर TGT व अन्य रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। पदों का विवरण कुछ इस प्रकार है। टोटल जो वैकेंसी जो पद हैं वो है 15। असिस्टेंट टीचर के 2 वैकेंसी हैं। टीचर इंग्लिश TGT के लिए 1 पद है और TGT मैथ के लिए 2 हैं। और उसके बाद बात करते हैं TGT नेचुरल साइंस के लिए 3 पद हैं और TGT सोशल साइंस के लिए 3 पद हैं। और ऐसे ही नीचे आपको बता देता हूँ TGT संस्कृत के लिए 2 पद हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद बात करते हैं लेक्चर कंप्यूटर साइंस के लिए 1 पद दिया गया है, 1 वैकेंसी है। LDC के लिए भी 1 पद है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता जो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो वो है शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के भर्ती नियमानुसार TGT एवं PRT असिस्टेंट टीचर पद के लिए CTET पास होना आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद आपको चयन प्रक्रिया बता देता हूँ। चयन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के भर्ती नियम, आवेदन कैसे करें। योग्य उम्मीदवार दिए गए प्रारूप में 19 अप्रैल 2018 तक अपना आवेदन कस्तूरबा बालिका विद्यालय ईश्वर नगर नई दिल्ली जो पिन कोड है इसका 110065 के पते पर भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ये है अपडेट TGT और PRT टीचर के लिए। तो ऐसी ही अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इससे हेल्प मिलती है, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।